अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की मैनेजर्स हैंडबुक के हवाले से, जिसमें 17 डिफरेंट लीडरशिप स्किल्स पॉइंट आउट की गई हैं जो हर इंसान को जो प्रोफेशनल कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम करता है उसको ये स्किल्स हासिल करनी ज़रूरी हैं। द 17 स्किल्स लीडर्स नीड टू स्टैंड आउट, ये आप सोच सकते हैं कि शायद पहले आपको ज़रूरत नहीं थी, बट स्पेशली जब से ये कोरोना का प्रॉब्लम हुआ है, इंडस्ट्री शट डाउन हुई है, इकॉनमीज का बुरा हाल है, कंपनीज बंद हो रही हैं, जॉब्स नहीं हैं, नई जॉब्स क्या पुरानी ख़त्म हो रही हैं, ऐसी सिचुएशन में शायद दिस इज़ द राइट टाइम कि हम ये सोचें कि अगर ये 17 स्किल्स आप और हम हासिल कर लें तो आने वाले टाइम में जॉब मार्केट के अंदर हमारी प्रपोजिशन बहुत बेहतर हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है, कम अज़ कम अगर अभी आपके पास टाइम है, आप घर में लॉकडाउन है और आप अगर पढ़ सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बुक के थ्रू या ऑनलाइन आप सीख सकते हैं, तो सारी स्किल्स आपने सीखनी। मैं आज सारी स्किल्स पे बात नहीं करूँगा, मैं आज चाहूँगा कि मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ इस किताब में मौजूद 17 स्किल्स का, ताकि कल से हर रोज़ एक स्किल के ऊपर हम तफसील से बात कर सकें। अपनी लोकल जो हमारा पाकिस्तान में कल्चर है, जो हमारा पाकिस्तान में जो हमारे चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके मुताबिक ये स्किल्स हमको कैसे स्टैंड आउट करने में हेल्प कर सकती हैं, ये हम बात करेंगे। हर दिन एक स्किल आपके साथ शेयर करेंगे। आज मैं आपको ओवरव्यू के तौर पे बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले इसके अंदर कुछ पार्ट्स बना दें, पार्ट 1, पार्ट 2, 3 एंड 4 एंड 5 पार्ट्स हैं इस पूरी बुक के। पार्ट 1 में देखें तो लीडरशिप, डेवलपिंग अ लीडर्स माइंडसेट, ये पार्ट 1 है जिसमें माइंडसेट डेवलप करना है कि आपको लीडर बनने के लिए कौन सा माइंडसेट चाहिए। उस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो है ट्रांजिशन टू लीडरशिप। नंबर 1, आप जो भी जिस पोजीशन में भी हैं, इवन घर में, ऑफिस में, या अगर आप गवर्नमेंट के किसी इदारे में काम करें, तो यू नीड टू बी अ लीडर, बिकॉज उसके लिए जो माइंडसेट चाहिए, जब तक वो डेवलप नहीं होगा आप वो चीज़ें अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। ट्रांजिशन, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पोजिशनिंग योर सेल्फ फॉर सक्सेस। नंबर 1, सक्सेस को आपने डिफाइन करना है कि आपकी लाइफ में से हर एक के लिए डिफरेंट है, आपके लिए क्या है, और फिर आपने क्या करना है, अपने आप को पोजिशन करना है कि सक्सेस के पास जाना ना पड़े, सक्सेस खुद आपके पास आए। नंबर 2, पार्ट 2 में इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपने इस बुक में लिखा है कि आपने अपने आप को मैनेज कैसे करना है, पहले माइंडसेट, फिर उसके बाद मैनेजिंग योरसेल्फ, बिकमिंग अ पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस, ऐसा शख्स जो जहाँ जाए वो दूसरों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। नंबर 2, कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो लफ्ज़ बोल रहे हैं क्या बॉडी लैंग्वेज से भी वो फील हो रहा है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कोई तजाद तो नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्किल हम सीखें। पर्सनल प्रोडक्टिविटी, कुछ गवर्नमेंट के लोगों की तरह वो कहते हैं ना, आना जाना तो बहुत है लेकिन रिजल्ट क्या है, प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज कैसे रहना है आप। फिर सेल्फ डेवलपमेंट, आप कितना टाइम अपने आप को डेवलप करने के लिए लगाते हैं, कितनी इन्वेस्ट करते हैं, कितनी एनर्जी, कितने पैसे, कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ये सेल्फ डेवलपमेंट। और पार्ट 3 में आता है मैनेजिंग इंडिविजुअल्स, अब आपने खुद को तो मैनेज कर लिया, आपने आपको इन्फ्लुएंशियल बना लिया, आपने अपनी कम्युनिकेशन पे काम कर लिया, प्रोडक्टिविटी पे काम कर लिया, आपने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कर लिया, अब बारी है एज अ मैनेजर, एज अ लीडर, आप अपने घर में, फैमिली, ऑफिस में कोलीग्स एंड सुपीरियर एंड जूनियर टीम, और आपके जो जितने भी लोग काम करते हैं ऑफिस में, उनको कैसे मैनेज करेंगे आप। मैनेजिंग इंडिविजुअल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है डेलीगेटिंग विद कॉन्फिडेंस, हम अपना काम किसी और को देने पे तैयार ही नहीं होते कि ये हमारी पोजीशन पे ना आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है डेलीगेशन। गिविंग इफेक्टिव फीडबैक, लोग आते हैं हमारे पास काम करते हैं, हम उनको जेन्युइनली फीडबैक नहीं देते कि आप अच्छा काम करें, वेल डन, कीप इट अप, या हम उनको बजाय पब्लिकली क्रिटिसाइज करने के सेपरेटली बैठ के आराम से समझाएं क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, गिविंग इफेक्टिव फीडबैक। डेवलपिंग टैलेंट, रियासत मदीना की बात करते हैं तो कहते हैं टीम बनाना इम्पॉर्टेंट है, टीम नहीं होगी
तो चीज़ें नहीं हो सकती। डेवलपिंग टैलेंट, घर में अपने बच्चों में टैलेंट डेवलप करें, अपनी टीम में, ऑफिस में टैलेंट डेवलप करें, अपने मुआशरे सोसाइटी में, अपनी वीडियोज़ के थ्रू, जहाँ तक हम वीडियोज़ देखी जा रही हैं, क्या है टैलेंट डेवलप करने की कोशिश उन लोगों के लिए जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो छोटे शहरों से उठ के बड़े शहरों में आए और आके इन्फ्लुएंशियल पीपल्स लोगों के साथ मिल के गेन करें कॉन्फिडेंस, वो वीडियो देख के कर सकते हैं, वो सीख सकते हैं, उनके अंदर ये एक तहरीक पैदा हो सकती है कि वो भी ये चीज़ कर सकते हैं, वो भी इस तरह से पढ़ के किताब दूसरों तक वो इल्म ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो डेवलपिंग टैलेंट जो है पार्ट थ्री का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। उसके बाद पार्ट फोर में आता है मैनेजिंग टीम्स, लीडिंग टीम्स, चाहे गवर्नमेंट का इदारा हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, तो एक टीम को लीड करना सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद है फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी। अब आप अपनी टीम के अंदर क्रिएटिविटी को एनहेंस करने के लिए ऐसी स्किल डेवलप करेंगे कि वो सब लोग क्रिएटिवली काम करें, हार्ड वर्किंग ना करें, स्मार्ट वर्किंग करें। हायरिंग एंड कीपिंग द बेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली एचआर के दोस्त इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि अगर सही शख्स सही पोजीशन पे सही टाइम पे हायर करने में कामयाब हो जाए कंपनी, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। मैनेज, अच्छा लास्ट पार्ट है जी, मैनेजिंग बिजनेस। अब बिजनेस मैनेज करना, हम इस स्किल को जब डिफ़ाइन करेंगे डिटेल में जाके, तो हम देखेंगे कैसे कौन से बिजनेसेस हैं जो आज कोरोना की वजह से कोलैप्स कर गए, ऐसी कौन सी इकॉनमीज़ हैं जो कोलैप्स कर गई, ऐसे कौन से बिजनेसेस एंड इकॉनमीज़ हैं जो आज फ्लरिश कर रहे हैं, इवन इन दीज क्रिटिकल टाइम्स दे आर फ्लरिशिंग डे एंड नाइट। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने सोशल मीडिया बिजनेसेस हैं उस पर क्या इम्पैक्ट आया, यूट्यूब पर क्या इम्पैक्ट आया, उनकी अर्निंग कम हुई ज़्यादा हुई, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब वो प्लेटफॉर्म हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, जो नेटफ्लिक्स पे क्या इम्पैक्ट आया आप बताएं, क्या ज़्यादा लोग वॉच कर रहे हैं, क्या ज़्यादा लोगों ने उनके जो सब्सक्रिप्शन है बाय किए, ये कम लोगों ने किए, बिकॉज लोग घर बैठ रहे हैं, बजाय इसके कि कंपनीज जैसे बंद हो रही हैं, नेटफ्लिक्स और ऐसी बहुत सारी कंपनीज का बिजनेस बढ़ रहा है। तो हम बिजनेसेस में देखेंगे बिजनेस को मैनेज कैसे करना है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्किल है दैट इज़ स्ट्रेटजी। अ प्राइमर, प्राइमर क्या है, योर रोल इन स्ट्रेटजी, व्हाट इज स्ट्रेटजी, डेवलपिंग योर स्ट्रेटजी एंड लीडिंग चेंज एंड ट्रांजिशन, चेंज मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। कल जो बिज़नेस कामयाब थे आज नहीं है, और अगले 10 साल बाद बिल्कुल नहीं होंगे, तो ये समझना सीखना और डाइवर्सीफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट। मास्टरिंग फाइनेंशियल टूल्स, पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक शख्स एक दुकान खोल लेता है तो उसके पास उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टूल ही नहीं होता। आपको अंदाज़ा है जस्ट आई थिंक $4 to $5 पे करके आप क्विक बुक्स का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बाय कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपने घर इंडिविजुअली, घर और ऑफिस के तमाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो आपको गाइड करेगा कि आपकी कंपनी क्यों लॉस में जा रही है, क्यों प्रॉफिट में जा रही है, कौन सी प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, आपकी सारी इनवाइसिंग, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट आपके पास हर चीज़ रिपोर्ट आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल टूल्स। लास्ट स्किल जो है वो डेवलपिंग अ बिजनेस केस। आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो उसको एज ए केस डेवलप करके आप शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स या आप इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, क्यों इन्वेस्ट करें वो आपके बिजनेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी स्किल्स को हम डे बाई डे डेली बेसिस पे एक स्किल पे डिटेल से 5 मिनट बात करेंगे, ताकि आप लोग जो अभी जाके शायद किताब नहीं ख़रीद सकते, अभी ऑनलाइन अगर इसकी PDF कॉपी अवेलेबल नहीं है, तो आप इस वीडियो को देख के डेली बेसिस पे एक स्किल सीख सकें और उस स्किल को अपनी लाइफ में अप्लाई करके एक अच्छी कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें, इवन इन कोरोना टाइम्स। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो विद अनदर वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे ट्रांजिशन टू लीडरशिप, कैसे एक आम लाइफस्टाइल से लीडरशिप लाइफस्टाइल पे आप ट्रांजिशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, घर पे रहें, बाहर मत जाएं, एज लॉन्ग एज पॉसिबल अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। सी यू टुमारो, थैंक यू, बाय बाय।